नमस्कार बच्चों, मैं विक्रम सिंह। चलिए एक बात सबसे पहले, कल जो बच्चे आए थे वो यस पे टिक लगाइए, जो नहीं आए थे वो नो पे लगाइए। कल की क्लास क्या आपने देखा है? ये चल रहा है हाइड्रोजन लेक्चर नंबर 3। हमेशा इस बात का ध्यान रखें, जब तक आप कंटिन्यू नहीं रहेंगे तब तक आप सीखने की आपकी जो क्षमता है वो हमेशा कमजोर पड़ता जाएगा, बढ़ेगा नहीं। दूसरी बात, आप सबसे एक बात और पूछना चाहता हूं कि क्या आप 11th के स्टूडेंट हैं? देखो तो पूछो तो बच्चों से कि क्लास किस क्लास के बच्चे हो आप, 11th या 12th या नीट के बच्चे हो या जेई के बच्चे हो, आप किस क्लास के बच्चे हो ये बताओ। सबको गुड इवनिंग, बहुत सारे बच्चों ने गुड इवनिंग कहा है बेटा, सबको गुड इवनिंग जी। चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में है जल से संबंधित बातें, जल, मृदु जल, कठोर जल, सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर। तो हार्ड वाटर किसको कहेंगे, सॉफ्ट वाटर किसे कहेंगे, इनके बारे में बात करेंगे। तो देखिए आप किस क्लास के स्टूडेंट हैं, कौन सी क्लास आप अटेंड करते हैं, किस क्लास में हैं, कौन सा एग्जाम दिलाना चाहते हैं, 11th के हैं, 12th के हैं, बीएससी के हैं या नीट जेई एस्पिरेंट हैं, क्या हैं ये बताएं जल्दी से, क्योंकि ये वाली क्लास तो 11th वाले बच्चों के लिए है, नीट वाले बच्चों के लिए है, जेई वाले बच्चों के लिए है। और हाँ, जो बीएससी वाले बच्चे हैं उनकी भी क्लास में फर्स्ट ईयर में तो आता ही है, पढ़ाई थोड़ी सी अच्छे से करना है। और वो ये क्लास उन लोगों के लिए भी है जो अपने स्कूलों में हमारी क्लासेस दिखाते भी हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि मृदु एवं कठोर जल, जल तो जल है, जल तो H2O है, पर जल का मृदु होना और कठोर होना इस बात पे डिपेंड करता है कि इसमें अशुद्धि किस प्रकार की मिली हुई है। प्रकृति में जो पानी आएगा कहां से आएगा, किसी नेचर से आएगा, कोई नदी से ले रहे हैं हम पानी, कहां से लेते हैं, नदी से लेते हैं, तालाब से लेते हैं, कुएं से लेते हैं, अंडरग्राउंड वाटर लेते हैं, मिनरल वाटर यानी कि जमीन से खुदाई करके जमीन से निकालते हैं पानी, बोरिंग के द्वारा, हैंडपंप के द्वारा, पंप के द्वारा, बारिश का पानी, कई तरह से पानी हमें प्राप्त होता है। पर पानी जो है क्या वो शुद्ध होता है? अगर शुद्ध है तो किस प्रकार शुद्धता है, मतलब शुद्ध है मतलब H2 है, लेकिन अगर अशुद्ध है तो किस प्रकार की अशुद्धता है? फिलहाल आज की क्लास आगे बढ़ाएंगे। चलो क्या है मृदु एवं कठोर जल, कोई बच्चा बताएगा कि किस जल को हम मृदु जल कहते हैं, किस जल को कठोर जल कहते हैं? हम नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, ये काम तो हम रोज करते हैं, पर हमने एक चीज देखा है कि जब हम कपड़े धोते हैं किस से, साबुन से ना, पानी से धोते हैं लेकिन साबुन लगा के धोते हैं ना। तो आपने कई बार ये चीज देखा होगा, बारिश के पानी में अगर कपड़े धो रहे हो तो मस्त झाग आता है, थोड़ा सा साबुन लगने के बाद भी बहुत झाग आता है, कपड़ा कम साबुन से ही धुल जाता है। लेकिन जब आप जमीन के अंदर से जो पानी निकालते हो या तालाब के पानी उपयोग करते हो या नहर का पानी या नदी का पानी उपयोग करते हो, तो आपने देखा होगा कि किसी नदी के पानी में आप जल्दी झाग, ज्यादा झाग नहीं आता, किसी नदी के पानी में झाग बहुत ज्यादा आता है। जमीन से निकाला गया पानी में, पंप के द्वारा निकाले गए पानी में झाग बहुत कम आता है। ये क्या बताता है? याद रखना, यहां पर जल को मृदु या कठोर कहने का मतलब क्या होगा इसको समझें। जल को मृदु या कठोर कहने का मतलब यह होता है जल के द्वारा साबुन से झाग बनने के आधार पर आधार पर
जल को दो प्रकार से बांटते हैं, एक है सॉफ्ट वाटर और एक है हार्ड वाटर। जिसमें आसानी से अधिक मात्रा में झाग बनती है सॉफ्ट वाटर है, और जिस जल में साबुन थक्का बनाने लगती है, तथा कम झाग बनाती है, यह हार्ड वाटर कहलाता है। तो साबुन के साथ जल को जल के जल मिला करके साबुन, यानी साबुन जल के विलयन में अगर हमने अच्छे से इसको हिलाया तो आप देखेंगे, रगड़े हमने साबुन को तो झाग अगर ज्यादा बन रहा है, थक्का नहीं बन रहा है कहीं पर भी, थक्का मतलब ये कोगुलेट नहीं हो रही है, वो कुछ प्रेसिपिटेशन नहीं हो रहा है, कुछ ठोस जैसा पदार्थ नहीं बन रहा है, साबुन फट नहीं रहा है, तब ये सॉफ्ट वाटर है और बन रहा है। तो ये अगर झाग कम बन रहा है, थक्का बन रहा है, तो ये हार्ड वाटर है। बस सॉफ्ट और हार्ड वाटर को हम कुछ इस तरह से पहचानते हैं। मैंने पूछा था किस क्लास में है, तो अभी क्लास 11 और क्लास 12 के बच्चे हैं और कुछ नीट एस्पिरेंट कम, बहुत कम बच्चे हैं, और अदर क्लासेस के 5% बच्चे हैं। रहिए, अपना क्लास देखिए, अपनी पढ़ाई करिए और रेगुलर रहिए। चलिए चलते हैं आगे। चलिए हम साब मृदु एवं कठोर जल किसे कहेंगे, मैं लिखा हुआ स्थिति में भी ले देता हूं। साबुन के विलयन के प्रति जल के व्यवहार के आधार पर जल को दो प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है, पहला है हार्ड सॉफ्ट वाटर एंड दूसरा है हार्ड वाटर। तो मृदु जल या सॉफ्ट वाटर किसे कहेंगे, मृदु या सॉफ्ट वाटर किसे कहेंगे, सॉफ्ट वाटर है जल द्वारा साबुन के विलयन का के साथ सरलता से अधिक मात्रा में झाग उत्पन्न करने वाला अगर होता है तो इस स्थिति में वो जल मृदु जल कहलाएगा, सॉफ्ट वाटर कहलाएगा। उदाहरण, आसुत जल, डिस्टिल वाटर, वर्षा का जल, मैंने कहा था पानी, जब बारिश के पानी से अगर आप साबुन नहाते हो या कपड़े धोते हो तो बहुत अधिक झाग बनती है, थोड़ी मात्रा साबुन का ले करके भी कपड़ा साफ किया जा सकता है, वर्षा का जल, ये सभी सॉफ्ट वाटर है। अब बात करते हैं कि हार्ड वाटर क्या है। जो साबुन के विलयन के साथ सरलता से झाग उत्पन्न नहीं करता है, कठोर जल कहलाता है। मैं आपको समझा भी रहा हूं, लिखा भी रहा हूं, नोट्स भी दे रहा हूं, और आप आगे एग्जाम में कैसे लिखेंगे वो भी आपके पास मिल रहा है, इस तरह से आपको नोट्स मिल रहा है, अपनी कॉपी में लिखें यस और नो, चिल्ला के बोले क्या आप बातों को समझ रहे हैं, यस या नो, बताइए क्या आप समझ रहे हैं, बोलिए। तो पहली बात है, अब उदाहरण हम लेते हैं हार्ड वाटर का। नदी का पानी, समुद्री जल, भूमिगत जल, यानी कि पंप के द्वारा जमीन के अंदर के पानी को पंप के द्वारा जो खींचते हैं, वह पानी हार्ड वाटर होता है। सॉफ्ट वाटर बहुत ही सीमित मात्रा में, उसको या तो हमको हार्ड वाटर से सॉफ्ट वाटर बनाना पड़ता है तब जा करके उपयोग करते हैं। और अगर हार्ड वाटर, भाई सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर क्यों ऐसा बोला गया, क्योंकि हम इनके उपयोगों को देखें सॉफ्ट वाटर का, तो सॉफ्ट वाटर हमारे लिए किसी भी गीजर है या बॉयलर है या किसी भी कपड़े धोना है या किसी भी तरह का काम करना है, तो हमारे लिए हानिकारक बिल्कुल नहीं है। वो एक तरह से ऐसा पानी होता है जिसका उपयोग आसानी से कर सकते हो जिस तरह के काम करने हैं। लेकिन अगर हार्ड वाटर है, उसमें सॉल्ट घुला हुआ है, तो फिर वो पानी आपके लिए हानिकारक है, आपके मशीनों के लिए हानिकारक है। चलिए साहब, हम बात करते हैं आगे। यहां पर आपसे पूछा गया क्या आप समझ रहे हैं, 93% बच्चों ने कह दिया है कि वो समझ रहे हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चलिए साहब, आपके पास ये लिखा हुआ है, अगर ये नोट चाहिए तो विक्रम हैब केमिस्ट्री, विक्रम सर हैब केमिस्ट्री, आपका
टेलीग्राम चैनल है, अभी आपको लिंक दे रहे हैं, उसको उसमें ज्वाइन हो जाइए, आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे। और हाँ, लिखिए जरूर, अभी भी लिखिए। अब मैं आपसे बोलूं कि भाई जल की कठोरता का कारण क्या है, जल कठोर क्यों होते हैं। यदि जल में घुलनशील कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुलनशील लवण उपस्थित है, क्योंकि पानी में तभी कोई चीज रहेगा जब वो घुलता होगा। जो पदार्थ जल में घुलता है वही जल में हो सकता है। पृथ्वी में ऐसे कौन सा लवण है जो, या मिट्टी में ऐसा कौन सी चीज है, ऐसा कौन सा लवण है जो पानी में घुल सकता है। तो नॉर्मली हम दो प्रकार के लवणों के बारे में बात करते हैं, एक है कैल्शियम और दूसरा है मैग्नीशियम के क्लोराइड, सल्फेट और बाइकार्बोनेट। क्या बोला मैंने, धनायन, कैल्शियम और मैग्नीशियम, इसके कोई लवण, कौन सा लवण, इसके ऋणायन वाला भाग क्या होगा, ऋणायन, क्लोराइड, सल्फेट और बाइकार्बोनेट अगर है तो मतलब यह है कि इस आधार पर हमारे पास कितने प्रकार के लवण हो गए, ये कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। यानी जल में घुलनशील लवण, जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुलनशील लवण, तो कौन कौन से घुलनशील लवण हो गए आपके बताइए। तो इसमें जल में अगर ये लवण उपस्थित है, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम बाइकार्बोनेट, इसी तरह से मैग्नीशियम के क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, ये लवण उपस्थित है जल में लवण, तब वो, चूंकि ये घुलनशील है, देखिए मैंने क्या बताया, ये मिट्टी में होता है, जमीन में होता है मिनरल्स के रूप में, और ये अगर पानी यहां से गुजरता है तो उसमें घुल जाता है, तो पानी में आ जाता है ये लवण। अगर ये लवण पानी में उपस्थित है तो वो पानी जो है हार्ड वाटर कहलाता है, ठोस कठोर जल कहलाता, ठोस तो नहीं बोलो, कठोर जल कहलाता है इसके रहने से। यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम पानी में रह गया, उसके आयन रह गए, तो वो पानी कठोर जल कहलाएगा। तो अब जल की कठोरता का कारण क्या है, आपको क्लियर हुआ, जल की कठोरता का कारण क्या है बताइए। जल की कठोरता का कारण है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के घुलनशील लवण जल में उपस्थित रहना। तो ये कैसे प्रभावित करता है, थोड़ी बातों को समझना जरूरी है बेटा। अगर आप हवा में, आप कुछ चीजों बोले यार ये वाला एग्जाम में आता है तो मैं इस क्वेश्चन को याद कर लूं, वो आता है तो वो उस क्वेश्चन को याद कर लूं, अगर ये सोच करके अगर आप पढ़ाई के लिए बैठते हो तो मैं कहूंगा कि भाई ये दिमाग नहीं चला सकोगे। जब तक दिमाग नहीं चला सकोगे फिर एक अधूरापन की पढ़ाई, और अधूरापन की पढ़ाई, पास तो हो जाओगे, टॉप तो कर जाओगे, हो सकता है आप टॉपर बन जाओ, अच्छे मार्क्स आ जाए, लक बाई चांस, लेकिन कभी भी सक्सेस नहीं मिलने वाला। सक्सेस का मतलब होता है अपने जीवन को बेहतरीन रूप में ले जाना। इसीलिए बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए जरूरी है कि जो जो पड़ाव आपके पास आते हैं उन सारे पड़ावों को सही तरह से समझते जाना। इंसान का सक्सेस, इंसान का की सफलता उसके दिमाग की इन सॉफ्टवेयर में छिपा हुआ है। कंप्यूटर का हार्डवेयर तो है पर उसका सॉफ्टवेयर नहीं, तो वो कंप्यूटर हमारे किसी काम का नहीं है। मोबाइल आपके पास है अच्छा खासा, लेकिन उसका सॉफ्टवेयर काम ना करता हो तो मोबाइल किसी काम का नहीं। इसी तरह से इंसान के लिए जरूरी है कि उसका हार्डवेयर, उसकी बॉडी तो है पर उसका सॉफ्टवेयर नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता है। ध्यान से समझिए इन बातों को। तो सॉफ्टवेयर को बेहतर बनाने के लिए पढ़ना पड़ता है, हार्डवेयर को बेहतर बनाने के लिए सही टाइम पे नींद लेना पड़ता है, सही तरह से आराम करना पड़ता है, सही तरह से एक्सरसाइज करना पड़ता है, स्वास्थ्य के लिए भोजन सही तरह से करने पड़ते हैं। तो ये है हार्डवेयर को, तो बॉडी के हार्डवेयर, हमारे अपने हार्डवेयर को तो अच्छा बना सकते हैं जो दिखता भी है, लेकिन सॉफ्टवेयर को अच्छा बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो सॉफ्टवेयर को भी अच्छा बनाइए। तो चलें
हम बात कर रहे हैं जल की कठोरता का कारण क्या है, जल में ये सारे लवण घुले हुए हैं जिसको मैंने शॉर्ट में लिखा है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड सल्फेट और बाइकार्बोनेट के लवण घुले होते हैं तो वो जल कठोर जल होता है। अब बात करते हैं इसी चीज को लिखे हुए रूप में, लेकिन हम पहले बात करते हैं साबुन की। साबुन क्या है? अगर आपसे कहूं कि साबुन उच्च वसा अम्ल युक्त सोडियम लवण है, साबुन सोप उच्च वसा अम्ल युक्त उच्च वसा अम्ल बोले उच्च हाइड्रोकार्बन वाला वसा अम्ल का उच्च हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोकार्बन युक्त वसा अम्ल का उच्च हाइड्रोकार्बन युक्त वसा अम्ल का सोडियम लवण होता है। साबुन जो है उच्च हाइड्रोकार्बन युक्त, मतलब ये क्या है, RCOOH का लवण, जहां पर H की जगह पर है सोडियम और ये इस R की जगह है हमारे पास C15H35COO-, तब ये पॉमिटेट होगा। मतलब मैं कहूंगा यहां पर कि C15H31COONA ये साबुन है जैसा कि आपको पता है, और ये साबुन कहलाएगा। एक साबुन ये हुआ कि इसको कहते हैं सोडियम पॉमिटेट, सोडियम पॉमिटेट। इसी तरह से C17H35COONA ये साबुन है सोडियम स्टेरेट, सोडियम स्टेरेट। इसी तरह से C17H33COONA ये होता है सोडियम ओलिएट। ये इस तरह से हमारे पास ये तीन साबुन का नाम बताया मैंने। ये साबुन का रासायनिक नाम है, रासायनिक फॉर्मूला है, जिसमें आप देख रहे हो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला बहुत लंबी है। इसमें हाइड्रोकार्बन श्रृंखला बहुत लंबी है तो ये हाइड्रोकार्बन की विशेषता होगी। ये है मतलब ये साबुन का फॉर्मूला है। जिन बच्चों को नहीं पता हो उनको मैं बता दूं कि ये साबुन का फॉर्मूला है। नोट करते जाइए बेटा, छोटी छोटी बातें बहुत मायने रखेगा आपकी पढ़ाई में। बहुत सारे बच्चों ने लिखा, 73% बच्चे कह रहे हैं लिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं, चैट कर रहे हैं। हाँ जी, हेलो हेलो सर। तृप्ति तृप्ति कह रही कि हेलो सर, यस हेलो। महिमा तिवारी, सीएम भैया, ओके। और कौन है भाई, सॉरी सर हम लेट हुए हैं, कोई बात नहीं। क्या नाम है इसका, कसक कसम जो भी है, नाम तो समझ ही में नहीं आ रहा है मुझे, करिश्म जो भी है भाई। हृदयानंद गुप्ता, थैंक्स सीएम भैया, ओके। हमसे कोई बात नहीं कर रहा है सर, क्लियर नहीं आ रहा है, आपकी मोबाइल में सेटिंग ठीक करो, है ना, रेजोल्यूशन या सेटिंग ठीक करो, क्लियर आएगा, ओके। और क्या बोल रहे हैं भाई, गुड नाइट। अच्छा गुड नाइट, जा रहे हो कि आ रहे हो, आ रहे हो तो गुड गुड इवनिंग बोलो और जा रहे हो तो गुड नाइट बोलो, ठीक है। आशीष पाल, ठीक, चलिए ओके। हाँ तो ये है साबुन। अब साबुन के इस संरचना को एक बार हम समझें। मैं ले लेता हूं सोडियम स्टेरेट साबुन। साबुन कैसे काम करता है, साबुन की संरचना थोड़ा सा बता दूं आपको, क्योंकि
जल की कठोरता और सॉफ्टनेस को समझने के लिए साबुन की संरचना को समझना जरूरी है हमारे लिए। साबुन है C17H35COONA, C17H35COONA ये साबुन है। अगर आपको कहूं कि ये CH2 इस तरह से ये एक दो तीन चार, ये कितने बार होगा, कम से कम 16 बार होगा, लंबा है, मैं पूरा गिनती लगा के नहीं लिख रहा हूं, तो COO-Na+ होगा। अगर इसको मैं कहूं कि जल में जब साबुन को घोला जाता है तो ये बना लेता है C17H35COO- और Na+, तब यहां पर ये साबुन का ये वाला भाग है वसा अम्ल का ऋणात्मक आयन, तब यही है साबुन को क्या करता है, कपड़े की धुलाई में मदद करता है। बस इतना ही जानना जरूरी है। अब ये जानना जरूरी है कि ये जो रहेगा, जब मैं एक पहले लिख रहा हूं, जब जल में C17H35COO-, देखिए बेटा सोडियम आयन इसके साथ अगर जुड़ा रहेगा तब ये पानी में जाकर के इस तरह से आयनन होगा, समझ रहे हैं ना? तो क्या बोले, C17H35COONA का जल में आयनन से, आयनन मतलब टूटने से, आयन बना रहा आयनन कहलाता, आयनन से C17H35COO- आयन प्राप्त होता है। थोड़ी थोड़ी बातों को समझे, बिल्कुल इजी वे में बता रहा हूं, इससे सारा मिलेगा ही नहीं, आप कोशिश कर लीजिएगा। साबुन की संरचना मैंने आपको समझाया कि साबुन की संरचना ऐसी है, और ये भी देख रहे हैं, अब यहां पर गिनती मत लगाइए, 17 बार होगा ये पूरा मिला के, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, अच्छा एक बार और कर दो तो 17 ही हो जाएगा, चलिए ठीक है। ये हो गया 17, चलो। तब हम ये बोल रहे हैं कि ये इसकी संरचना है। साबुन के बारे में हम जानते हैं कि हमने लिखा है सोडियम का ये लवण होगा, तभी जाकर के जल में जाने पर ये आयनन होगा, सोडियम ये का जल में घोलेंगे तो जल में आयनन से ये बनेगा। हमने कहा जब जल में ये उपस्थित होता है होता है तभी कपड़े की सफाई की सफाई यानी धुलाई, अब धुलाई मतलब मारना पीटना वाला नहीं, सफाई मतलब किसी की जेब खाली करना नहीं है ना, थोड़ा ध्यान रखना, ये थोड़ा सा लगता है सफाई कर दो यानी कि चोरी करके ले जाओ, ऐसा शब्द नहीं है यहां पे, और धुलाई कह दूं तो फिर पीटना अपना नहीं है, तो ये थोड़ा समझना होगा आपको। तो सफाई, कपड़े की सफाई या झाग बनना सफाई होता है, मेरी बात समझो, झाग बनना होता है। पानी में अगर ये रहेगा ये बनेगा, ये तभी बन पाएगा जब यहां पर सोडियम जुड़ा रहेगा, बात समझोगे, ये छोटी सी बारीक सी बात। मैंने कहा जब ये जुड़ा ये रहेगा तो साबुन जो है ये सोडियम का लवण होता है साबुन, तो ये पानी में घोलेंगे तो ये बनेगा, और ये बनने की वजह से ये झाग बनाता है। पता चल गया कि सोडियम अगर जुड़ा है साबुन के साथ तो वो झाग बनेगा। लेकिन यदि पानी में हम बात करते हैं, यदि जल में कठोरता यानी कि कैल्शियम या मैग्नीशियम
के आयन उपस्थित हो तो ऋणायन से, ऋणायन मतलब कौन सा ऋणायन, C17H35COO- से स्थायी रूप से जुड़ जाते हैं तथा जल में ऋण आयन तथा जल से ऋण आयन, यानी ऋण आयन मतलब क्या, मैं फिर से दोबारा लिख दूं, C17H35COO- हट जाते हैं जिससे झाग नहीं बनता है या थक्का बन जाता है। तो क्या हुआ, ये उपस्थित है तो क्या हुआ, कठोरता R, मैं ऐसे लिख दूं ना, देखो भाई C17H35COO- उपस्थित है जल में, और जल में क्या उपस्थित हो गया है, अगर कैल्शियम के ये आयन उपस्थित रहा तो क्या करेगा, ये इनके साथ जुड़ जाएगा ये दो बार, और ये इस तरह से बन जाएगा C17H35COO ट्वाइस CA, और ये नीचे अवक्षेपित होगा। अब इसको पानी में घोलोगे तो स्थाई लवण बन गया है, अब ये पानी में झाग नहीं दे सकता क्योंकि पानी में घुलने पर ये आयन नहीं बनता है। सोडियम होगा तो पानी, सोडियम होगा तो टूट आयनन होगा, और इससे क्या मिलेगा आपको, ये ऋण आयन मिलेगा, देख लो। लेकिन कैल्शियम अगर जुड़ गया है तो उस कंडीशन में कैल्शियम या मैग्नीशियम इसी तरह जुड़ेगा और वो पानी में आने के बाद झाग नहीं देगा कि वहां से C17H35COO- हट गया है पानी में, वो एक ठोस पदार्थ बना लिया है कैल्शियम के साथ जुड़ करके। यही वजह है कि अब ये झाग नहीं देता है। पूरी जानकारी मैंने आपके सामने लिख दी। एक बच्चे ने कहा, अभिषेक कुमार ने, सरना के इंसान पर क्या लिखा है, स्थान लिखा है क्या, सर ना एन ए के स्थान पर कोई दूसरा एलिमेंट नहीं हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है अगर साबुन है तो चलेगा, पोटेशियम के एन ए की जगह पोटेशियम होगा, के होगा तो भी वो साबुन का काम करेगा। लेकिन ये दूसरा आ गया ना भाई, कैल्शियम या मैग्नीशियम, कठोर जल में इसी के होने की वजह से यही तो खतरा है, इसी की वजह से वो ठोस कठोर हो गया, वो झाग नहीं बनाएगा, बस इतनी कहानी है। तो सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर की कहानी यहीं से शुरू होती है। कठोर जल साबुन के साथ झाग क्यों नहीं बनाता, मैंने उत्तर दे दिया है, ये देखो उत्तर मिल गया है, पूरा उत्तर मिल गया, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, सही तरह से लिखिए, समझ के लिखिए, मैं यहां पर लिखाते नहीं बैठूंगा, टाइम लग जाएगा, और लिखा हुआ यहां पर पूरा। अब यहां पे हुआ क्या, साबुन जो था, मैं R लिख देता हूं, C17H35 ना लिख करके R, COONA जो था वो कैल्शियम क्लोराइड, यानी कि ये कठोरता है, क्या है ये, कठोरता है जल का। तब इन्होंने क्या किया, सोडियम के साथ जुड़ गया तो दो बार NaCl मिला और क्या बना, RCOO twice CA, ये थक्का बना लिया। तो जब तक कैल्शियम या मैग्नीशियम के लवण, बहुत सारे लवण बना दिखाया था मैंने यहां पर, याद होगा, इनमें से कोई भी होगा उपस्थित तो जल को वो सोडियम में से सोडियम हटा देगा, साबुन से सोडियम हटा देगा और खुद ही ये धनायन जुड़ जाएगा और उसका थक्का बना लेगा, झाग नहीं बनेगा। यही बात यहां पर आपको सिद्ध होता है और इसका पूरी डिटेल मैंने लिखा है, पढ़ लीजिए अच्छा लगेगा, एग्जाम में यही लिखना है आपको, एग्जाम में लिखने लायक आपको नोट दे रहा हूं भाई साहब, सोचो, पढ़ाई तो अच्छी है पर रेगुलर पढ़ोगे तब ना। हैप्पी सोनी, सर सीए और एमजी के अलावा और कोई एलिमेंट नहीं हो सकता, कोई भी हो सकता, मैं एल्यूमिनियम हो सकता है, आयरन भी हो सकता है, लेकिन वो जल में घुलनशील लवण घुला हो पानी में तभी वो होगा। बेटा ये सब पढ़ना है आपको, इंजीनियरिंग में पढ़ना है फर्स्ट ईयर में,
वहां पे भी केमिस्ट्री पढ़ना होता है, तो आपको और भी आगे जाकर के पढ़ना है। फिलहाल अभी जितना लेवल है, जितना पूछोगे उतना जवाब मेरे पास रहेगा, हम अपने टॉपिक के आगे नहीं बढ़ पाएंगे, है ना। आपके पूछने का कोई जवाब, जितना पूछो जितना बताना है, बहुत कुछ है, बहुत गहराई है। इसलिए तो बोलते हैं अगर रेगुलर पढ़ते रहोगे, अच्छे से पढ़ते रहोगे, यहाँ अगर 1000 बच्चे होते अभी लाइव में, तो क्या मैं उनकी गहराइयों को और नहीं समझाता। सोचो यार क्या गलती करते हैं आप लोग भी। पूरा देश भर की जनता में से 165 बच्चे बैठे हो, तो क्या सब सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, झक मार रहे होंगे और क्या कर रहे होंगे, जो पढ़ना नहीं है इधर उधर भटक रहे हैं। फिर एग्जाम का टाइम आता है, फिर धड़ल्ले से 2000-3000 बच्चे रहते हैं इस टाइम पे। 11th वाले बच्चे बोलते हैं कि सर हमें पढ़ा दो, हमारे एग्जाम है, आप हमको नहीं देख रहे हो, 12th वाले को देख रहे हो। 12th वाला तो बोलता है कि सर 11th छोड़ो ना, 12th वाले को करो। तो अभी क्या करोगे, अभी नाचोगे गाओगे कुछ भी बोलोगे। इसलिए बोल रहे हैं जय हिंद सर, एक बच्चे ने कहा चंद्र का क्या लिखा, चंद्रशेखर। चलिए साहब देख लिया करो, नाम इधर से दिखता नहीं मुझे, महादेव का दीवाना, अरे वाह। ठीक है चलो, जल की कठोरता दो प्रकार की होती है, एक होता है स्थायी अस्थायी कठोरता और दूसरा होता है स्थायी कठोरता। जल की कठोरता दो प्रकार की होती है, स्थायी कठोरता और अस्थायी कठोरता। H2O को क्या पढ़ेंगे, जैसे CO2 को पढ़ते कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड पढ़ोगे और क्या पढ़ोगे, थोड़ी छोटी बात है। ठीक है कोई बात नहीं, आप पूछते हो अच्छा लगता है, लेकिन बात यही है कि ध्यान रहनी चाहिए पढ़ाई पे। सबका जवाब है बेटा, अगर आपने शुरुआत से पढ़ाई कर रहे हो तो हर चीज का जवाब आपके पास है। पढ़ के तो देखो यार, YouTube में हमने पूरा एक प्लेलिस्ट बना के रखा है। हाँ एक बात बोलूंगा, अगले क्लास में जब आओ तो इस चैप्टर की पूरी वीडियो पढ़ के रखिएगा, क्योंकि अगले क्लास जो हमारा होगा कब होगा, वेनेसडे एंड थर्सडे को होगा 11th का, और 12th की क्लास अभी होने वाली है शनिवार को, तो शनिवार को शाम को 12th की क्लास के लिए आइएगा, जो 12th वाले बच्चे हैं ध्यान रखिएगा। चल अस्थायी कठोरता, अब यहां पर स्थायी कठोरता, स्थायी कठोरता के बारे में हम किसे अस्थायी कठोरता कहेंगे, किसे जल की स्थायी कठोरता कहेंगे। एक छोटा सा डेफिनेशन है, छोटा सा प्रक्रिया है, पानी को उबालकर उबालेंगे और उसकी कठोरता हट जाती है तो इस अस्थायी कठोरता कहलाती है। कुछ लोग डमरू बजा रहे हैं बाहर, है ना, वो चाट वाला आया होगा अपना ढक्कन बजा रहा है, थोड़ा बोलो कि यार मत बजाओ। ठीक है कोई बात नहीं, उनका भी बिजनेस है। चलिए आप किसी को चाट खाना है या गोलगप्पे खाने है तो बताइए, मैं बुलवा देता हूँ उनको, है ना, वो शाम को ही आता है बेचारा। ठीक है तो चलिए जो कह रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। जल की कठोरता के प्रकार, उबालने पर, जल को उबालने पर अगर उसकी कठोरता दूर हो जाती है तो उसे कहते हैं अस्थायी कठोरता, यानी उबाल करके दूर किया गया, स्थायी नहीं है वो कठोरता, अस्थायी कठोरता। जल को उबालने पर उसकी कठोरता हटती नहीं है तो ऐसे कठोरता को कहा जाता है स्थायी कठोरता, परमानेंट हार्डनेस। तो उबालने से संबंधित है ये, तब होगा जब जल में बाइकार्बोनेट घुला होगा, यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स होंगे, यानी जल में क्या घुला होगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट घुला होगा, तब ये इसको उबालेंगे तो ये जल की कठोरता हट जाएगा। यानी उबालेंगे तो ये कठोरता कैसे हट गया जरा समझेंगे। ये जल में विलेय पदार्थ है, मैं आपको बताता हूं, उबालता हूं ना, चलिए कैल्शियम बाइकार्बोनेट को मैं उबालता हूं, गर्म करता हूं, गर्म करने पर यह बनाता है CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनकर निकल जाएगा। अब देखो यह जल में घुलनशील है, इसलिए जल में है,
घुलनशील है, इसलिए जल में उपस्थित है, जबकि यह नीचे बैठ जाता है, जल में अघुलनशील है। अब मेरी बातों को समझेंगे। जब आप गर्म करते हो पानी को, कठोर जल को, और उसमें अगर कैल्शियम बाइकार्बोनेट उपस्थित है, तो गर्म करने पर कैल्शियम कार्बोनेट पानी और कार्बोनेट में टूट जाएगा, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है चूंकि अघुलनशील है इसलिए वो नीचे बैठ जाएगा। आपने कई बार देखा होगा जल को उबालते हैं, पानी को उबालते हैं, तो उसके बाद देखे होंगे कि थोड़ी देर ठंड रखने के बाद नीचे सफेद परत जम जाता है, वो यही है कैल्शियम कार्बोनेट। और उबले हुए पानी में अगर आप साबुन थोड़ा रगड़ के देखना, अगर ऐसे बैठ जाता है उसके बाद पानी में थोड़ा सा रगड़ के देखना, साबुन झाग ज्यादा आएगा, तो ये उसकी अस्थायी कठोरता होने की वजह से उसको हट गया, कैल्शियम हट गया। इसी तरह से इसको भी गर्म करके देखिए, वैसे ही बनेगा। तो ये है घुलनशील पदार्थ जो है अब अघुलनशील पदार्थ में परिवर्तित हो जाती है जब गर्म करते हैं, इसलिए कठोरता हट जाती है। चलें साहब, अब बात करते हैं आगे, परमानेंट हार्डनेस। जल में कैल्शियम, मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट उपस्थित हो, मतलब कैल्शियम क्लोराइड या मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, ये अगर घुल उपस्थित हो तो इनको उबालेंगे या गर्म करेंगे तो ये पानी से नहीं हटते। ऐसा कोई पदार्थ नहीं बनता है जो पानी में अघुलनशील हो, मतलब इनको गर्म करने पर अघुलनशील पदार्थ में परिवर्तित नहीं होती है, इसलिए हटती नहीं है। तो जल को उबालने पर उसकी कठोरता नहीं हटती है, तो ऐसे कठोरता को कहा जाता है स्थायी कठोरता। और स्थायी कठोरता किनके कारण आती है? कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट से। चले अच्छा, एक बच्चे ने मुझे कितना रुपया दिया, अरे बाबा 19.98 रुपये, यानी शायद उन्होंने मुझे 20 रुपया दिया है। थैंक यू, ये 20 मेरे बहुत काम आएंगे बेटा, ठीक है। वैसे गुटखा वगैरह तो खाता नहीं, तो मेरे लिए वो पैसा बच जाएगा, है ना। दारू भी नहीं पीता, कुछ भी नहीं, ऐसा मेरे पास लत वाली कोई चीज़ नहीं है। बस लत वाली बात यह है कि काम करते रहता हूँ, खुश रहता हूँ, है ना, और कुछ कुछ ऐसे बनाते रहता हूँ, मज़ा आता है, ठीक है, उसी में मेरे खर्चे होते हैं, बाकी मेरे बहुत काम आएंगे आपके 20 रुपये। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। चलिए साहब, जल को सामान्यतः उबालकर इसे दूर नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसे स्थायी कठोरता कहते हैं। जल की कठोरता को दूर करने का क्या तरीका होगा? अस्थायी कठोरता दूर करना, स्थायी कठोरता दूर करना, दोनों के मैं तरीके बताता हूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा, है तो बहुत सारी चीजें। हेलो सर, एक बच्चे ने कहा, अभिषेक वर्मा, बोलो ना भाई, हेलो हेलो करने से थोड़ी होगा, आपको जो बोलना है बोलते रहिए आप, है ना। पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, कॉपी पे ध्यान दीजिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। अगर आप पहली पहली आए हो कुछ दिनों से, तो वो तो दुनिया का कोई भगवान भी नहीं समझा सकता है, इसलिए मैं पढ़ाई में ये स्ट्रांग बोलता हूँ, ध्यान रखना। मेरे अपने बच्चे को जाके पूछिएगा, ऑफलाइन वाले बच्चों को भी पूछिएगा, वो बहुत हार्ड टीचर मानते हैं मुझे, ठीक है, और मेरे पेड कोर्स वाले बच्चों को भी पूछिएगा। लेकिन हाँ, जो बच्चा मेरे पास पढ़ता है, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो ना सीखता हो ना समझता हो, जो टॉपिक मैंने पढ़ाया उसके दिमाग में उतरता ही है, ये सबसे बड़ी बात है। चलिए, तो अब स्थायी कठोरता क्या है आपको पता चल गया है, अस्थायी कठोरता क्या है ये पता चल गया, तो दोनों को दूर करने के लिए हमें क्या करना होगा? पहला तरीका है उबालकर, जैसा कि मैंने बताया, अगर हम कैल्शियम और कैल्शियम बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट उपस्थित है, तो उस जल को उबालेंगे, गर्म करेंगे, तो जो बाइकार्बोनेट है कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाएगा और वो अवक्षेपित हो जाएगा, और इस तरह से जो जल बचता है वो जल स्थायी जल, मृदु जल प्राप्त होगा। इसी तरह से यहां पर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट में भी आपने देखा, रिएक्शन तो मैं बता दी हूं पहले, तो दोबारा बताने की कोई जरूरत नहीं है। और एक बढ़िया दूसरी विधि भी बता रहा हूं, ये विधि कैसी है, गर्म करने पर। अब यार आग खर्च करोगे
बिजली से गर्म करोगे पानी, या लकड़ी जलाकर करोगे, या गैस जलाकर करोगे, कोई ना कोई तरीका तो अपनाओगे ना। तो थोड़ी महंगी हो गई ना ये तरीका, बहुत ज़्यादा महंगी हो गई। ठीक है, तो इससे थोड़ा सरल और भी तरीके हैं हमारे पास। तो देखें, एक दूसरी विधि हमारे पास है, वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा, मतलब चूने का पानी मिला करके भी हम अस्थाई कठोरता को दूर कर सकते हैं। चूने का पानी मिलाएंगे तो क्या होगा, जरा समझें, मैं यही बता दूं क्या। देखिए, चूने का पानी होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, आपने ये मिलाया तो इसका कैल्शियम मैग्नीशियम की जगह आ गया, मैग्नीशियम कैल्शियम की जगह आ गया। अब जैसे इसको मिलाते हो तो क्या, मतलब कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो कन्वर्ट हो गया यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट। अब मैं रिएक्शन ही लिख के दिखा देता हूं, ऐसे में तो आप बोलेंगे सर समझ में नहीं आया तो मुझे तकलीफ होगा। चलिए, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है, तो बाइकार्बोनेट है मतलब ये दो बार रहता है ना, मैंने ऐसे दो बार लिख देता हूं आपको, आपके लिए मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इस तरह से दो बार लिखा। ये क्या हो जाएगा जरा देखें, ये OH, देखो अब ये देखो मैग्नीशियम ये वाला और ये CO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम और ये CO3 कैल्शियम, तो ये बना लेता है कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट। ये दोनों ही पदार्थ अघुलनशील है, नीचे बैठ जाएगा। अब बचा हुआ HH, तो ये एक एच इसके साथ, एक एच इसके OH के साथ, तो यानी दो बार दो पानी मिलकर निकल गया। यानी अगर आप टंकी में पानी भर लो, अगर उस पानी में अस्थाई कठोरता है, तब याद रखना स्थाई कठोरता पर ये काम नहीं करेगा। अस्थाई कठोर है पानी तो ये काम करेगा, अस्थाई कठोर है तो आप क्या करोगे, इनको आप पानी के टंकी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूना, यार चूना में पानी मिलाओ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पानी पुताई कहते लाइमलाइट के लिए या दीवारों की पुताई के लिए जो विलयन बनाते हो चूने का, वही तो है। तो आपने ये मिला दिया, इसको मिलाने पर क्या होगा, पानी में मिला के छोड़ दो, आप रात भर छोड़ दो, फिर अब पानी जो देखोगे पानी में वो गंदगी नीचे सफेद सफेद कुछ पपड़ी के रूप में या पाउडर के रूप में बैठा हुआ नजर आएगा। ऊपर का पानी निकाल लो, अब ये पानी सॉफ्ट वाटर बन चुका है, मृदु जल बन चुका है, ये ध्यान रखिए। ये मृदु जल इस तरह से प्राप्त होगा। तो ये वाला रिएक्शन मैंने बता दिया, ये रिएक्शन अब समझ सकते हो वैसा ही है, कैल्शियम कार्बोनेट दो ठो बनेगा, एक दो पानी बनेगा, निकल गया। चलिए साहब, स्थाई कठोरता को दूर करने की कुछ और विधि हमारे पास है। वैसे इस विधि को क्लार्क विधि कहा जाता है, याद रखेंगे। स्थाई कठोरता को दूर करने की तीन बहुत ही बेहतरीन विधियां हैं। एक है धावन सोडा, यानी कि सोडियम कार्बोनेट मिलाकर के, दूसरा है कैलगॉन, तीसरा है आयन विनिमय विधि। अब इतनी सारी विधियों को अभी आज तो पढ़ा नहीं पाऊंगा क्योंकि ये तो बहुत समय लगेगा, तो मैं कम से कम एक विधि या दो विधि आपको बता देता हूं, फिर उसके बाद ये विधियां जब भी आपको मौके मिलेंगे हम आपको जरूर बताएंगे। चलिए साहब, अब देखिएगा धावन सोडा। चलिए, धावन सोडा मतलब कपड़े धोने का सोडा, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट अगर हम मिलाते हैं तो क्या करता है जरा देखें, मान लेते हैं कैल्शियम क्लोराइड है कठोरता के लिए, पानी में कठोरता, और आपने उसमें पानी में मिला दिया कपड़े धोने का सोडा मिला दिया, बड़ा जबरदस्त तरीका है कपड़े धोने का सोडा, मेरे हिसाब से बहुत सस्ता। मैं वॉशिंग पाउडर की बात नहीं कर रहा हूं, डिटर्जेंट पाउडर की बात नहीं कर रहा हूं, कपड़ा धोने का सोडा, कपड़े धोने का सोडा बोलोगे मार्केट में दे देंगे, माटी राख बोलोगे दे देंगे, सोडा ऐश बोलोगे तो दे देंगे। हो सकता है आपके जगह पे लोकल कुछ और भाषा से जाना जाता हो, कुछ शब्दों से जाना जाता होगा, इनका अलग नाम भी हो सकता है, आप लोग जानते हो, आपकी मम्मी बता देगी आपको कि कपड़े धोने का सोडा पहले एक जमाने में वो जो खटिए पे या पलंग पे वो उसके जो क्या बोलते हैं कॉटन का बना हुआ पलंग के वो आते बेल्ट आते थे, उसको क्या बोलते थे, नेवार बोलते थे, आप लोग शायद आप लोग भी जानते होंगे,
नेवार को धोने के लिए, या दिवाली के टाइम पे कपड़े जो बिस्तर वगैरह होते हैं उसको धोने के लिए यूज करते हैं, और मैं बता दूं लॉन्ड्री वगैरह में बहुत ज्यादा मात्रा में कपड़ा धोना है, जहां तक सूती कपड़े हैं, तो सोडियम कार्बोनेट से ही धोया जाता है। सुनिएगा, सोडियम कार्बोनेट, पानी को गर्म किया जाता है, एकदम उबाला नहीं जाता, गर्म किया जाता है, गर्म पानी में सोडियम कार्बोनेट घोल दिया जाता है और उस पर कपड़े डुबा दी जाती, काफ़ी समय, हल्का मतलब कुछ समय के लिए 20-25 मिनट 30 मिनट के लिए डुबा दिया जाता है गर्म पानी में, और फिर उसके बाद उनको फटका जाता है, कपड़ा मस्त धुलता है। यानी कि वॉशिंग पाउडर से बहुत सस्ता पड़ता है भाई ये, जाके पूछ लीजिए कितना मिलता है, मेरे हिसाब से 10-12-15 रुपये किलो, 10-12-15 रुपये किलो, इससे ज़्यादा महंगा नहीं होगा, अगर होगा भी चलो तो 30-40 रुपये किलो होगा। अब मैं अब जानता तो नहीं मार्केट में क्या रेट चल रहा है, पर आप देख लीजिए, पूछ लीजिएगा कपड़े धोने का सोडा कितना मिलता है। लेकिन हाँ, हर तरह के किराने दुकान में अब अवेलेबल नहीं है, ये भी बता दूं आपको, बहुत सारे रिसर्च करने पड़ेंगे, बहुत जगह खोज करने पड़ेंगे, बहुत सारे बड़े बड़े किराने दुकान में जाके खोज करने पड़ेंगे, तब मिलेगा वो। चलिए साहब, ये सोडियम इस क्लोरीन को, अब मैंने क्या बोला, पानी है, टंकी भर पानी ले लिए, अब उस पानी में आप ये सोडियम कार्बोनेट मिला दीजिए, तो सोडियम क्लोराइड मिल गया, NaCl मिल गया दो ठो, ये CO3 और ये कैल्शियम के साथ जुड़ गया और बना लिया CaCO3, और आपको बताया था CaCO3 अघुलनशील है, नीचे बैठ जाएगा, अवक्षेपित हो जाएगा, वैसे एक सल्फेट होगा, मान लेते हैं मैग्नीशियम या कैल्शियम का सल्फेट है, कैल्शियम का सल्फेट CaSO4, आपने कपड़े धोने का सोडा मिलाया और ये बन गया Na2SO4, देखो Na2SO4, ये तो जल में घुलनशील है, परंतु इधर CaCO3 मिल जाता है, इधर का CA बचा, इधर का CO3, और ये भी अवक्षेपित हो जाता है। तो ये हट गया पानी से, नीचे बैठ गया, कठोरता बैठ गई, कैल्शियम आयन बैठ गया, जल अब मृदु हो चुका है। तो जल को मृदु करने का एक तरीका है सोडियम कार्बोनेट मिला देना है। बहुत सारे साबुन में वो सोडियम कार्बोनेट, साबुन भी होता है और सोडियम कार्बोनेट भी उसमें मिला होता है, जो कि जल की हार्डनेस को दूर करता है। अब पहले से मिलाकर डाल दो पानी में, जिस पानी से कपड़े धोना है, एक और नल पाइप लगा दो, तीसरा पाइप, एक पाइप नहा टंकी का पानी आता है, एक पानी में नल का पाइप आता है, गर्म और ठंडा होता है, और एक और लगा दो टंकी से, दूसरी टंकी बनवा लो छोटा सा, एक और पाइप लगवा दो, जिसमें क्या होगा, जिसमें आप पानी डाले हो वो उस पानी में सोडियम कार्बोनेट 2-3 चम्मच मिला कर डाल दिए और छोड़ दिए, तो वो पानी जब कपड़े धोने के लिए आएगा, सिर्फ कपड़े धोने के लिए पानी रहेगा, और उसमें जब साबुन मिला करके, यानी साबुन मिला लेते समय वही वाले पानी का यूज़ करेंगे, तो वो सॉफ्ट वाटर बन चुका होगा, सस्ता होगा। या ऐसा भी कर सकते हो, कपड़े धोने से पहले आपने वॉशिंग मशीन में पहले पानी लिए, पानी में थोड़ा सा सोडियम कार्बोनेट मिला के छोड़ दिए थोड़ी देर के लिए, फिर उसके बाद कपड़े डालो, उसके बाद वॉशिंग पाउडर डालो, और फिर उसके बाद वॉशिंग पाउडर अच्छे से घोल लो, घोलने के बाद आप कपड़े धो लो, हार्डनेस दूर हो गया, कम वॉशिंग पाउडर में कपड़ा अच्छे से धुलेगा। अरे बहुत सारे तरीके हैं यार करने का, करने हो तब ना, नहीं करेंगे थोड़े होगा। घर वाले मारेंगे, हैप्पी सोनी, सोनी सर घर वाले मारेंगे, अच्छा मारेंगे, क्यों मारेंगे भाई, ज्ञान का इन लोगों ने उपयोग किया। गैलीलियो अगर सोचता कि दुनिया वाले उनको मार देंगे उसके अच्छे खोज से, आइंस्टाइन सोचता हर आदमी की बात कर दूं भाई, दुनिया जो वही आदमी, उसी आदमी को जो जानते हो जिन्होंने सिर्फ जब आके आर्मी में जाके मरना मरना नहीं कहलाता है, एक सही ज्ञान के और सही चीज की लोगों को जानकारी देना, सही दिशा में ले जाना लोगों को, वो भी एक तरह का आर्मी होता है। सोचो क्या सोचते हो, तो यही कहते हैं। चलिए बात करते हैं एक और विधि, लास्ट करेंगे इसको। एक पदार्थ होता है जिसको कैल्गोन कहा जाता है, ये है कैल्गोन, Na2Na4PO3 6, इस पदार्थ को कैल्गोन कहा जाता है। सोडियम, देखो सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट, सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट, अगर चाहो तो आप इसको और भी दूसरे तरह से लिख सकते हो।
ये कैल्शियम क्लोराइड है मान लेते हैं, और मैंने कैल्शियम कैल्कॉन कैल्कॉन सो एन ए टू एन ए फोर पी ओ थ्री सिक्स, इनकी क्रिया मैंने क्या किया, कठोर जल को इसके टंकी से होकर गुजारा इस टंक, तो क्या होता है कैल्कॉन जो है कैल्शियम को रख लेगा यहां पर टू टाइम्स, तो बन जाएगा एन ए टू सी ए टू पी ओ थ्री सिक्स, और बन जाएगा मिल जाएगा मुझे क्या सोडियम का, ये कैल्शियम इसमें चला गया और ये सोडियम का क्लोराइड 4NaCl। तो इस तरह से इन्होंने क्या किया कैल्कॉन ने, एक टंकी होगी, टंकी में भरा होगा ग्रेन्यूल्स भरा होगा, छोटे छोटे कंकड़ जैसे पदार्थ भरे होंगे जो होगा कैल्कॉन का, कैल्कॉन से होकर के गुजारा जाता है पानी को कठोर जल को, और कठोर जल ग्रहण कर लेता है उसके कैल्शियम और मैग्नीशियम को। इस तरह से जल जो है, जल से कठोरता दूर हो जाती है और सॉफ्ट वाटर प्राप्त हो जाता है। तो सारी चीजें लिखी हुई भी है, आप देख लीजिए, मैं अगर और ज्यादा डिटेल में बताऊंगा बेटा क्लास तो बहुत लंबी हो जाएगी। क्लास हमेशा छोटी होनी चाहिए, आपके दिमाग बड़ी होनी चाहिए, आपको ज्यादा समझने होंगे, ज्यादा चीजों के साथ प्रैक्टिस करना, जितना पढ़ा है उसमें प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत कुछ सीख गया। अगले क्लास में मैं आपको हाइड्रोजन परऑक्साइड पढ़ाने वाला हूं, तो हाइड्रोजन परऑक्साइड के लिए आप तैयार रहिएगा। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, नमस्कार धन्यवाद थैंक यू, पर लाइक जरूर कर दो यार, दिल टूटता है यदि ऐसा नहीं करते हो। चलिए ओके थैंक यू।